तो गाइस आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की तैयारी बीसीसीआई काफी ज्यादा जोरों शोरों से स्टार्ट कर चुकी है और गाइस आज के डेट में काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो भी किसी और प्लेयर की नहीं बल्कि ऋषभ पंत की लेकर आ रही है कि ऋषभ पंत अपनी जो टीम है उसे छोड़ सकते हैं और दूसरी टीम की तरफ रवानगी भर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या न्यूज है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसके साथ और काफी ज्यादा न्यूज निकल के आ रही है जो कि मैं रेगुलर इंटरवल में आपको न्यूज देता रहता हूँ। जो भी अच्छी खासी एकदम रोचक न्यूज निकल के आती है वो मैं आपको देता रहता हूँ। बेसिकली आपको करना क्या है, वीडियो कभी भी लेके पूरा इंटरनेट देखना है। जो लोग भी चैनल पे नए अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में और गाइस जो सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के यहाँ पे आ रही है यहाँ पे ऋषभ पंत को लेके, ऋषभ पंत यानी आरपी को लेके काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आखिर ये अपनी टीम को छोड़ सकते हैं। जो कि मैंने आपको काफी वीडियोस पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जब रिकी पॉन्टिंग को टीम से निकाला गया था तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत इससे खुश नहीं थे और ये चाहते थे कि इनके जो हेड कोच बने रहे वो यहाँ पे बात कर लिया जाए तो रिकी पॉन्टिंग ही बने रहे। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने जब छोड़ा यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऋषभ पंत भी मन बना बैठे थे कि ये भी अपनी टीम को रिप्रेजेंट टीम को छोड़ सकते हैं। और लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे न्यूज आज दिन में काफी ज्यादा बढ़ के आ रही थी कि यहाँ पे ऋषभ पंत अपनी टीम को छोड़ सकते हैं, ये अपनी टीम को छोड़ के चेन्नई की तरफ जा सकते हैं, यानी कि ये भी अपडेट निकल के आई थी कि ये चेन्नई की तरफ भी रवानगी भर सकते हैं। इसको लेके दोपहर के 3 बजे तक काफी ज्यादा हाई वोल्टेज की न्यूज निकल के आ रहे थे। इनफैक्ट काफी ज्यादा यहाँ पे सोर्सेज ने तो क्लियर भी कर दिया था कि यही न्यूज आने वाली है, यही चीज होने वाला है। लेकिन चीजें तब बदली जब 5 बजे दिल्ली कैपिटल्स के यहाँ पे ऑफिशियल्स ने क्लियर कर दिया कि ऋषभ पंत हमारे पहले रिटेंशन होने वाले हैं, यानी कि मेगा ऑक्शन में कोई भी रिटेंशन हो, कुछ भी रिटेंशन हो, हमारे जो सबसे पहले खिलाड़ी रिटेन करने वाले हैं जिनको हम, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत रहने वाले हैं। यानी कि जो भी सोर्सेज यहाँ पे हवाला दे रहे थे और सीधा सीधा सभी को ये बता दिया कि आप ज्यादा यहाँ पे हवा में उड़िए मत, आप नए नए सपने पिरोइए मत, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे पहले रिटेंशन रहेंगे, आप 4 रिटेंशन करिए या 3 रिटेंशन करिए, हमारे सबसे पहले जो रिटेंशन रहेंगे वो ऋषभ पंत ही रहते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो भी हवाले उड़े रहते हैं उसको एकाएक करके स्टॉप कर दिया गया। दूसरे न्यूज के बारे में बात करें लेकिन उसके पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेगा ऑक्शन की अब न्यूज काफी ज्यादा तगड़ी आने वाली है, एक से बढ़कर एक आने वाली है। सब चीजें हम टेलीग्राम पे आपको रेगुलर इंटरवल में देंगे, ये तो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरी चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 से ज्यादा एडमिट्स हमारे पास हैं, यानी कि रोज एक से बढ़कर एक खबरें हमारे पास लगातार आती रहती हैं, तो इसलिए भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतरीन चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए आप टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन करिएगा क्योंकि इससे बेहतरीन न्यूज आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। तो लिंक आपके लिए कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया है। अगले न्यूज के बारे में हम लोग बात कर ले तो ये जो न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर। ऋतुराज के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल चुका होगा कि इनको यहाँ पे बेहतरीन फॉर्म में होने के बावजूद भी टीम में ना ओडीआई ना T20 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में इन्हें शामिल नहीं किया गया। इसके बाद काफी यहाँ पे हाई वोल्टेज दंगे होने लगे, लगातार सोशल मीडिया पे बैटल छिड़ गई कि ऋतुराज गायकवाड़ एक वेल डिजर्विंग यहाँ पे बैट्समैन थे, नंबर 8 की रैंकिंग की थी, यानी कि टीम इंडिया के सबसे यहाँ पे बेहतरीन नंबर 3 के बल्लेबाज हो सकते हैं। और अलग अलग चीजें यहाँ पे गंभीर को हेट मिलने लगी, शुभमन गिल को हेट मिलने लगी कि मेरी जो जगह है वो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनको यहाँ हटाया गया। इनफैक्ट जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी मैच में भी इनको निकाला गया अच्छे फॉर्म में होने के बावजूद। तो लगातार यहाँ पे टैक्टिक्स चलते चले जा रहे हैं, लगातार इनको यहाँ पे गालियां पड़ती चली जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में भी हवाला दे रही है। क्योंकि अगर आप क्रिकेटिंग नॉलेज थोड़ी सी भी अगर आप रखते हैं तो चीजें क्या चल रही है आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि आपने एक प्लेयर जो कि बेहतरीन फॉर्म में है, रैंकिंग में टॉप 10 में है, आप उसको निकाल ही नहीं सकते। आप ODI और T20 दोनों में आप रख सकते हैं, इनके जगह आपने रियान पराग को रखा जिसका कोई तुक नहीं बैठता है, यानी कि चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही हैं और जो चीजें हो रही हैं इनके खिलाफ वो बिल्कुल सही चलती हुई नजर आ रही हैं। अगली चीज के बारे में हम लोग बात कर लें तो ये निकल के आया रिटेंशन पॉलिसी को लेके। तो रिटेंशन पॉलिसी जो होने वाला है वो आपको अगले महीने तक रूल पता चल जाएगा, यानी कि अभी फिलहाल 20 तारीख चल रहा है तो 5 अगस्त से पहले आपको यहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी के रूल पता चल जाएंगे क्योंकि BCCI गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग काफी जल्दी करती हुई नजर आएगी और इनफैक्ट इस पे भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगली चीज के बारे में बात करें तो मेगा ऑक्शन जो आपका होने वाला है वो नवंबर तक हो जाएगा, यानी कि मेगा ऑक्शन को नवंबर तक करवाने का यहाँ पे पूरा प्लान BCCI कर चुकी है क्योंकि उसके बाद इन्हें थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी पे भी नजर डालना है
और चीजें कैसे हैंडल करनी है, क्योंकि अब 84 मैचेस होंगे तो चीजें आपको पहले हैंडल भी करनी होंगी। तो सब चीजें यहाँ पे करने के लिए बीसीसीआई प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपका रिटेंशन पॉलिसी और मेगा ऑक्शन है वो काफी जल्दी होता हुआ नजर आएगा, जो कि सोर्सेज हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं। ये थी आज की वो सभी न्यूज जो कि निकल के आई थी, मैंने आपको बता दिया है। तो कोई फाइनली आप बताएगा कि आपके लिए कौन सी खबर थी सबसे अच्छी आपकी अपनी जो हो रहा है, कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिए, कमेंट करिए, शेयर किया अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों फिलहाल करते हैं, आप मिले अगले के साथ।